अंदर मुख्यमंत्री कर रहे महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ और बाहर जूस की दुकान पर बैठकर सरपंच दे रहे हैं पंचायत में तालाबंदी का स्टेटमेंट। जी हाँ, ये नजारा दिखाई दिया बगरू के महापुरा पंचायत में, जहाँ सीएम खुद महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ करने पहुँचे, लेकिन सरपंचों के विरोध ने पूरा मजा किसरा कर दिया। आप खुद देखिए क्या था पूरा मामला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार से प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में सीएम गहलोत बगरू विधानसभा क्षेत्र के महापुरा ग्राम पंचायत पहुंचे और शिविर का उद्घाटन किया, लेकिन इस दौरान अजीब स्थिति देखने को मिली। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान राहत कैंप में आम आवाम के लिए लगाई गई कुर्सियां खाली ही नजर आई। ऐसे माहौल में एक बार तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी भी बगले झांकते नजर आए। गौरतलब है कि महंगाई राहत कैंप का विरोध संपूर्ण राजस्थान के सरपंच कर रहे हैं। इसी को लेकर महापुरा में मुख्यमंत्री के आयोजन से पहले 20 अप्रैल को ही महापुरा के सरपंच हनुराम खरवास ने संपूर्ण तालाबंदी की, तो देर रात एसडीएम ने ताला तोड़ दिया और वहां जाकर सरपंच को थाने में बैठा, लेकिन सरपंच ने विरोध जारी रखा और हालात ये बने कि खाली कुर्सियों पर बच्चे, आशा सहयोगियों और आसपास काम करने वाले मजदूरों को लाकर बैठाना पड़ा। कारण यही है कि हमने 17 तारीख को ज्ञापन दिया था सीएम साहब को, भाई केंद्र की राज्य की जो किस्तें हैं वो नहीं डाल रही है हमें। केंद्र की भी किस्त रोक रखी है, राज्य की भी किस्त रोक रखी है, तो उसके खिलाफ पूरे राजस्थान के सरपंच संघ, सरपंच और सेक्रेटरी सब धरने। हमारी पंचायत 20 तारीख से बंद थी और कल शाम को 4 बजे वो एसडीएम और काबरा है, एसडीएम अभी लेडीज हैं, तो उन्होंने वो ताला तोड़ के वो अंदर बैठ गए और मेरे को सूचना लगी, मैं गया तो वहाँ पे वो बोले तुम्हारे बाप की बापूती थोड़ी है। मैंने कहा मेरे बाप की बापूती ना तो मेरी है ना आपकी है, ये है ग्रामीण की बापूती है, गाँव की बापूती है। जब हम 20 तारीख से तालाबंदी कर रखी है, हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं, तो सब शांतिपूर्वक हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आपने ताला तोड़ दिया तो ये गलत किया है। मैंने कहा आपको बहुत ज़्यादा नाराजगी है, तभी तो ये पूरी कुर्सियाँ खाली पड़ी है ना, कहाँ है आदमी, यहाँ जाके देखो ग्राउंड में 500 आदमी नहीं, तो आशा सहयोग नहीं है, स्कूल के बच्चे हैं अपने, ये मजदूर हैं, इनको सबको बिठा दिया लाला के, तो भी वो कुर्सियाँ हैं जो पूरी नहीं भर रही, वो बैठे हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।